अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद रऊफ और आप लोग देख रहे हैं रूसी टैग। सो दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग किस तरह से अपनी न्यूज़ की या ब्लॉग की वेबसाइट के अंदर ऑटो ब्लॉगिंग कर सकते हैं। यानी कि आप लोगों ने जस्ट एक प्लगइन को अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट के अंदर इंस्टॉल करना है एंड उसकी कुछ सेटिंग्स करनी है एंड देन वो ऑटोमेटिकली दूसरी न्यूज़ वेबसाइट से उनकी न्यूज़ को आप लोगों की वेबसाइट के ऊपर शो करवाएगा, जो कि बिल्कुल लीगल तरीका होगा। आप लोगों की वेबसाइट के ऊपर इससे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ सकता, किसी तरह कोई कॉपीराइट का इशू भी नहीं आएगा, यहाँ तक कि आप लोगों को एडसेंस भी इस तरीके से मिल सकता है। तो चलें दोस्तों, आज के अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज की ये वीडियो मेरे एक दोस्त विकास के कहने के ऊपर मैं बना रहा हूँ, जिसका ताल्लुक इंडिया से है। उसने मुझे काफ़ी बार रिक्वेस्ट की थी कि भाई आप ये वीडियो हमें बना कर दें, तो उसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर आप लोग YouTube के ऊपर जाकर इस तरह से सर्च करेंगे WP ऑटोमेशन प्लगइन के बारे में, जिसके बारे में आप लोगों को आज बताऊंगा, तो आप लोगों को रैंडमली बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। लेकिन वो जो तरीका बताएंगे, वो तरीका आप लोगों के पास बिल्कुल भी काम नहीं करेगा, क्योंकि मैं भी ये सब कुछ चेक कर चुका हूँ। तो चलें दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये तो WP ऑटोमेटिक प्लगइन है। अगर हम लोग इसकी प्राइस की बात करें तो ये $30 का है, लेकिन मैं आप लोगों को ये फ्री में प्रोवाइड कर दूंगा। मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मौजूद होगा, आप लोगों ने सिंपली उसके ऊपर क्लिक करना है एंड इसे डाउनलोड कर लेना है। एंड दोस्तों, डाउनलोड करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, इसे सिंपली प्लगइन सेक्शन के अंदर जाकर ऐड न्यू पर क्लिक करना है एंड अपलोड में जाकर प्लगइन को सिंपली अपलोड कर लेना है। आप लोगों को ये तरीका आई होप कि ऑलरेडी आता है कि प्लगइन को आप लोगों ने किस तरह से अपलोड करके इंस्टॉल करना है। एंड देन जब आप लोग उसे इंस्टॉल कर लेंगे, साइड बार में आप लोग देख सकते हैं आपके पास इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा WP ऑटोमेटिक का। तो दोस्तों, उसके बाद आप लोगों का काम हो जाता है स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा दूं कि ये मेरी प्रैक्टिस वेबसाइट है, जो मैंने सिर्फ आप लोगों के लिए बनाई है ताकि मैं आप लोगों को ये वीडियो बना कर दे सकूँ। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि ये ब्लॉग की एक वेबसाइट है एंड इसके अंदर ऑलरेडी काफ़ी सारे जो डमी ब्लॉग्स थे मैंने इम्पोर्ट कर रखे हैं, ये यहाँ पर आप लोगों को नज़र भी आ रहे होंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं ऐसा करूँगा कि इन्हें डिलीट कर दूँगा एंड देन आप लोगों को आगे का काम करके दिखाता हूँ। सो दोस्तों, उससे पहले मेरी तमाम नए आने वाले दोस्तों से और उन दोस्तों से गुजारिश है जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कि यार क्या कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करो वर्डप्रेस की टिप्स ट्रिक्स एंड गाइड्स के लिए। और हाँ, साथ में मौजूद बेल आइकन को लाजमी से दबा देना, ताकि आप लोगों को मेरे चैनल पर आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों, मैं अपने इस चैनल के ऊपर आप लोगों को सिर्फ वर्डप्रेस की टिप्स ट्रिक्स एंड गाइड्स ही नहीं देता, बल्कि आप लोगों को प्रीमियम थीम्स एंड प्लगइन भी प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करता हूँ, जो कि बिल्कुल लीगल होते हैं GPL लाइसेंस के साथ। उन्हें मैं GPL करवा कर आप लोगों को प्रोवाइड करता हूँ, ताकि आप लोगों की वेबसाइट को भी कोई इशू ना आए और आप लोग उसे लाइफ टाइम के लिए फ्री में प्रीमियम थीम्स एंड प्लगइन को यूज़ कर सकें। तो चलें दोस्तों, बातों पर टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा है, चलते हैं हम लोग वीडियो को अपनी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने आ जाना अपने एडमिन डैशबोर्ड के अंदर। तो मेरा पहला काम यह है कि मैं इन तमाम पोस्टों को पहले यहाँ से डिलीट करूँ, ताकि जब मैं नई पोस्ट लगाऊँ तो आप लोगों को उनका पता चल सके। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से पोस्ट एंड ऑल पोस्ट पर क्लिक कर दूँगा एंड ये मेरे पास यहाँ पर अगर टोटल देखी जाएँ तो 18 पोस्टें मौजूद हैं। तो सिंपली मैं इसे पर क्लिक करूँगा, बल्क एक्शन से जाकर मूव टू ट्रैश एंड अप्लाई पर क्लिक कर दूँगा। तो दोस्तों, ये आप लोग देख सकते हैं कि मेरे पास जितनी भी पोस्टें सब डिलीट हो चुकी हैं। अगर ट्रैश के अंदर देखा जाए तो 19 पोस्ट हो चुकी हैं ऑलरेडी, एक पोस्ट पहले से ही मैंने डिलीट की हुई थी। सो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से अपनी वेबसाइट के अंदर जाकर इसे करूँगा यहाँ से रिफ्रेश। तो दोस्तों, यहाँ से अगर मैं नीचे की तरफ आता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं कि इस जगह पर कोई भी पोस्ट अब मौजूद नहीं रही, तमाम पोस्टें जो थी वो डिलीट हो चुकी हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग चले जाएँगे अपने प्लगइन के अंदर, जिसकी मदद से हम लोगों ने अपनी पोस्टें लगानी है। तो ये आप लोग देख सकते हैं WP ऑटोमेटिक, आप लोगों ने सिंपली इसके ऊपर होवर करके न्यू कंपेन के ऊपर क्लिक कर देना है। रिमेंबर, आप लोगों को दोस्तों बहुत सारी वीडियोज़ में इनकी इसकी सेटिंग के बारे में बताया जाएगा, कैसे अमेजोन से कनेक्ट करें, इसको यहाँ पर ID दें, यहाँ पर Google ID दें, आप लोगों ने कुछ भी नहीं देना। रिमेंबर, आप लोगों ने कुछ भी नहीं देना, इसकी सेटिंग जिस तरह है रहने दें, कुछ भी नहीं करना। आप लोगों ने सिंपली चले जाना है न्यू कंपेन्स के अंदर एंड इस जगह पर आकर दोस्तों आप लोगों की मर्जी है, आप लोग अपनी कंपेन को जो भी नाम देना चाहें। लाइक एज अगर आप लोग ब्लॉग जो है वो इंपोर्ट कर रहे हैं हेल्थ के मुतालिक,
तो मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगा कि आप लोग यहाँ पर हेल्थ ही नाम लिखें अपनी कंपेन का। अगर पॉलिटिक्स के रिलेटेड हैं तो पॉलिटिक्स, अगर इंटरनेशनल हैं तो इंटरनेशनल, जिस तरह के भी ब्लॉग्स हैं, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि आप लोगों ने इस कंपेन के अंदर कौन से जो ब्लॉग्स हैं वो इम्पोर्ट किए हैं। इन फ्यूचर जब आप लोग उसे एडिट करने लगे तो आप लोगों को इससे बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। अदरवाइज आप लोगों पर डिपेंड करता है, आप लोग जो नाम मर्जी दें, इसका कोई भी मसला नहीं है। तो चलें मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर हेल्थ लिख देता हूँ। ये आप लोगों पर डिपेंड करता है, आप लोग जो मर्जी नाम देते रहें, ये नाम बिल्कुल भी किसी तरह का कोई इशू नहीं करेगा आप लोगों के काम में, ठीक है। ओके, तो अब मैं ऐसा करता हूँ, आप लोगों ने न्यू टैब को ओपन करना है एंड यहाँ पर मैंने एक टेक्स्ट कॉपी करके रखा है, मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। बीबीसी न्यूज़ RSS फीड लिंक। दोस्तों RSS के ज़रिए हम लोग किस, दोस्तों RSS फीड बिल्कुल एक लीगल तरीका है कि आप लोग किसी के भी ब्लॉग्स को, किसी की न्यूज़ को, किसी के आर्टिकल्स को आप लोग अपनी वेबसाइट के अंदर शो करवा सकते हैं। ये हमें इंटरनेट के ज़रिए एक तरीका दिया गया है कि आप लोग दूसरों की चीज़ को अपनी वेबसाइट के अंदर शो करवाएं। लेकिन दोस्तों याद रहे कि इसका तमाम क्रेडिट जो है वो इसके ऑनर्स को ही जाता है, क्योंकि जो ऑनर्स होते हैं उनके लिंक्स लाजमी से आप लोगों के इस ब्लॉग के अंदर, आप लोगों के आर्टिकल्स के अंदर, आप लोगों की जो न्यूज़ है इसके अंदर रह जाते हैं। आप लोग उन्हें रिमूव नहीं कर सकते। अगर उन्हें आप लोग रिमूव करने की कोशिश करेंगे तो रिमेंबर, आप लोगों के पास कॉपीराइट का इशू आ सकता है। और दोस्तों मैंने यहाँ पर जो लिखा है बीबीसी न्यूज़ RSS फीड, अगर आप लोग पाकिस्तान से हैं तो डोंट वरी, आप लोगों ने यहाँ पर क्या करना है, आप लोगों ने लिखना है पाकिस्तान न्यूज़ RSS फीड। अगर आप लोगों को उर्दू में चाहिए तो आप लोगों ने लिखना पाकिस्तान न्यूज़, पाकिस्तान उर्दू न्यूज़ RSS फीड। और अगर इंडिया से हैं तो इंडियन न्यूज़ RSS फीड, बांग्लादेश से हैं तो सेम उसी तरह बांग्लादेश न्यूज़ RSS फीड। और अगर लैंग्वेज वगैरह चेंज करने लायक है, आप लोगों को हिंदी में या तेलुगु वगैरह में चाहिए, अगर आप लोग इंडिया से हैं तो आप लोगों ने उसी तरह इंडियन हिंदी न्यूज़ RSS या फिर फीड लिखें ना लिखें, इतना ज़्यादा कोई मायने नहीं रखती। आप लोगों पर डिपेंड करता है कि आप लोगों ने लिखना है या नहीं, इससे ज़्यादा कोई इशू नहीं होता। सो आप लोगों ने जब इसे सर्च करना है तो आप लोगों को इस तरह से लिंक्स मिल जाएंगे, जैसे कि मेरे पास आ रहा है बीबीसी न्यूज़ फीड फ्रॉम दी बीबीसी। आप लोगों के पास, आप लोगों के जो कंट्री के चैनल्स हैं उनके मुतालिक यहाँ पर आ जाएगा कि कौन कौन से आप लोगों के कंट्री के चैनल हैं जो आप लोगों को RSS फीड प्रोवाइड करते हैं। बहुत से चैनल ऐसे होते हैं कि आप लोगों को RSS फीड प्रोवाइड नहीं करते, वो नहीं चाहते कि उनके ब्लॉग, उनके आर्टिकल, उनके न्यूज़ कोई और यूज़ करे। जो आप लोगों को परमिशन देते हैं, आप लोग सिर्फ उन्हीं के आर्टिकल, उन्हीं के ब्लॉग, उन्हीं की न्यूज़ को अपनी वेबसाइट के अंदर यूज़ कर सकते हैं। सो चलें, मैं आई थिंक इतनी सारी बातें बताकर आपका टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन ये आप लोगों के लिए ज़रूरी थी, मैंने इसलिए बताई हैं। तो चलें मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। एंड दोस्तों क्लिक करने के बाद ये मैं बीबीसी न्यूज़ का जो RSS फीड का सेक्शन है उसके अंदर आ चुका हूँ। यहाँ पर ये मेरे सामने पॉपुलर बीबीसी न्यूज़ फीड्स, एंड अगर मैं नीचे की तरफ जाऊँ तो यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं ग्लोबल एंड यूके न्यूज़ फीड, वीडियो एंड ऑडियो न्यूज़ फीड, इस तरह से बहुत सारी न्यूज़ फीड्स मुझे यहाँ पर मिल जाती हैं। तो सिंपली मैं यहाँ से चेक करूँगा हेल्थ, और याद रहे दोस्तों कि ये जो मैं यहाँ से इस बीबीसी न्यूज़ से आकर उठा रहा हूँ, ये मुझे ज़्यादातर यूके की ही जो हेल्थ है, यूके की जो न्यूज़ है उसी के मुतालिक दिखाएगा। आप लोगों ने अपने कंट्री को सिलेक्ट करना है, आप लोगों ने अपने कंट्री की न्यूज़ की जो न्यूज़ चैनल के जो आर्टिकल्स हैं, ब्लॉग्स हैं, न्यूज़ हैं, आप लोगों ने उन्हें यूज़ करना है। तो चलें मैं क्या करता हूँ, यहाँ से हेल्थ पर क्लिक कर देता हूँ। आप लोगों के पास भी सेम इसी तरह से लिंक आएंगे जिन पर आप लोगों ने क्लिक करके उसे ओपन करना होगा, या अदरवाइज़ आप लोगों के सामने सिंपल जिस तरह से ये लिंक यहाँ पर मौजूद है, जैसे मैंने हेल्थ पर क्लिक किया है, हेल्थ की जगह पर इस तरह के लिंक्स भी लिखे हुए हो सकते हैं। आप लोगों ने सिंपली उन लिंक को क्लिक करना है, यानी कि मार्क कर लेना है, मार्क करके उन्हें कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद क्या करना है, आप लोगों ने इसी जगह पर वापस आना है अपने एडमिन डैशबोर्ड के अंदर, थोड़ा नीचे की तरफ आएँ, आप लोग देख सकते हैं कंपेन ऑप्शन, आप लोगों ने इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से फीड को चूज़ करना है। एंड देन इस जगह पर ये जो नीचे बॉक्स है इसके अंदर जो आप लोगों ने लिंक कॉपी की तो उसे पेस्ट कर दें, एंड यहाँ से आप लोग वर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कितने वर्ड्स का जो है पैराग्राफ या आर्टिकल चाहिए। तो 2000 बहुत हैं, मैं इन्हें इंक्रीज़ नहीं करता, आप लोग चाहें तो इंक्रीज़ भी कर सकते हैं।
देन और आप लोगों ने इसके बाद कुछ भी नहीं करना, सीधा आप लोगों ने आ जाना है नीचे की तरफ। एंड यहाँ से ही आप लोगों की कैटेगरीज मौजूद होंगी। अगर आप लोगों ने अब तक कैटेगरीज नहीं बनाई तो आप लोग जाएँ और पहले कैटेगरीज बनाएँ, अदरवाइज़ ये न्यूज़ फीड जो है वो काम नहीं करेगी। तो यहाँ से मैं हेल्थ की कैटेगरी को चूज़ कर लूँगा, सॉरी ये रही, तो मैंने हेल्थ की कैटेगरी को चूज़ कर लिया क्योंकि मेरी जो पोस्ट है वो हेल्थ के रिलेटेड है। देन मैं यहाँ से ऊपर की तरफ आ जाऊँगा एंड यहाँ पर ये लिखा हुआ है 60, तो मैं यहाँ से 5 कर दूँगा। एंड इस जगह से मैं यहाँ से डे चूज़ करूँगा, यानी कि एक दिन के अंदर मुझे 5 पोस्टें हेल्थ के रिलेटेड चाहिए। अगर आप लोग इसे चाहें तो इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, अगर चाहें तो आप लोग इसे डिक्रीज़ भी कर सकते हैं, वो आप लोगों पर डिपेंड करता है। देन मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसे पब्लिश कर दूँगा। एंड दोस्तों मेरी तो कंपेन थी वो पब्लिश हो चुकी है। अब आप लोगों ने क्या करना है, रन कंपेन का ये आप लोगों के सामने बटन आ चुका है, इसके ऊपर करना है क्लिक और हमें थोड़ा सा इंतज़ार करना है। ये आप लोग देख सकते हैं लास्ट रन और कोरोना वायरस यूके मैप, हाउ मैनी कन्फर्म केसेज आर देयर इन योर एरिया। सो ये इस तरह से दोस्तों आ चुकी है एक न्यूज़। अगर मैं दोबारा से इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो अभी आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर दूसरी न्यूज़ आ जाएगी। तो ये दूसरी आ गई है। अगर मैं दोबारा से इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो अब ये इसी तरह इंक्रीज़ होती जाएंगी, और अगर मैं इसे इसी तरह छोड़ दूँगा तो ये एक दिन के अंदर 5 बार जो है ये कंपेन ऑटोमेटिकली रन होगी, क्योंकि मैंने यहाँ पर ये सिलेक्ट कर दिया है। एंड हर रोज़ 5 न्यूज़ आती रहेंगी हेल्थ के रिलेटेड। तो दोस्तों अब हम लोग क्या करते हैं, अपनी वेबसाइट के अंदर आ जाते हैं। एंड यहाँ पर अभी भी आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास कोई ब्लॉग आर्टिकल न्यूज़ मौजूद नहीं है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अपनी वेबसाइट को हम लोग यहाँ से रिफ्रेश कर लेंगे। एंड आप लोग देख सकते हैं कि वेबसाइट के रिफ्रेश होते मेरे पास यहाँ पर ये 3 आर्टिकल आ चुके हैं। ये आप लोग देख सकते हैं इनके ऊपर टैग लगे हुए हैं हेल्थ के, यानी कि ये जो है मेरे पास हेल्थ की कैटेगरीज की न्यूज़ आ चुकी हैं 3। अगर मैं अब चाहूँ तो इसे मैं और ज़्यादा आप लोगों को इंक्रीज़ करके दिखाता हूँ। जैसे मैं वापस आ जाता हूँ एंड इसके ऊपर दोबारा से क्लिक करता हूँ, सो ये एक और नई न्यूज़ आ चुकी है हेल्थ की। मैं दोबारा से फिर से एक बार रिफ्रेश करूँगा इसे, सॉरी कंपेन को रन करूँगा एंड देन ये एक और न्यूज़ आ चुकी है। मैं क्या करता हूँ इसे यहाँ से आकर अपनी वेबसाइट को रिफ्रेश कर लेता हूँ। एंड वेबसाइट को रिफ्रेश करने के बाद अगर मैं यहाँ से नीचे की तरफ आता हूँ तो ये आप लोग देख सकते हैं कि मेरे पास इस वक्त और 2 नई न्यूज़ आ चुकी हैं। नंबर 1 ये मौजूद है, इसके नीचे नंबर 2 मौजूद है, नंबर 3, नंबर 4 है, नंबर 5। मैंने सिर्फ 5 न्यूज़ जो थी वही एक्सपोर्ट की हैं BBC न्यूज़ से अपनी वेबसाइट के अंदर। ये बिल्कुल एकदम लीगल तरीका है, किसी तरह का कोई कॉपीराइट का इशू भी नहीं आता। सो दोस्तों आप लोग इस तरह से अपनी वेबसाइट के अंदर ऑटो ब्लॉगिंग कर सकते हैं, आप लोगों को खुद आर्टिकल वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं है। सो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अब तक आप लोगों ने इसे लाइक तो लाजमी से कर दिया होगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा। और दोस्तों यार इसी तरह मुझे ज़रा अप्रिशिएट करते रहा कीजिए, वीडियो को लाइक करके अच्छे से कमेंट करके। अगर आप लोगों को कोई चीज़ समझ ना आए तो आप लोग कमेंट करके वो भी मुझसे पूछा कीजिए, मैं आप लोगों को उसका जवाब लाजमी दूंगा, आप लोगों का उसका हल भी बताऊंगा। अगर आप लोगों को इसके अलावा कोई और मुझसे हेल्प चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोगों को उसके रिलेटेड भी वीडियोस बना दूंगा। तो चलें दोस्तों, वीडियो का आप लोगों ने बहुत इंजॉय कर लिया, अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।